निर्गमन 14 और उसका 14वां पद। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा यानी परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए स्वयं लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। फिरौन की सेना इसराइलियों का मूसा का क्या कर रही थी, पीछा कर रही थी कि हम इन्हें पकड़ करके वापस गुलामी में लेके आएंगे या फिर इनको मार देंगे। और आगे उनके सामने क्या है, एक बहुत बड़ा लाल समुद्र है जिसे पार करना नामुमकिन है। वो परेशानी से मानो जैसे घिर गए हैं, चारों तरफ से उनके पास क्या आ गई है, मुसीबत आ पड़ी है, विपत्ति आ पड़ी है और उनको बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा, यहोवा स्वयं तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा, तुम क्या करो, चुपचाप रहो। जिसका भरोसा यहोवा पर है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, उसके लिए स्वयं परमेश्वर लड़ता है। अगर ऐसा दिन आ जाए जिस दिन हम संकट में गिर जाए, जिस दिन हम परेशानी में, जिस दिन हम दुख में आ जाए, विपत्ति में आ जाए, उस दिन परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और यदि हम इस वचन पे विश्वास रखें तो हमारे लिए लाल समुद्र भी दो भागों में बढ़ जाएगा। मिस्र की चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, परमेश्वर उसे चुटकियों में हमारे सामने से क्या कर देगा, साफ कर देगा, अलग कर देगा। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, परंतु यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम चुपचाप रहें, वो हमारे लिए लड़ेगा। और जब वो लड़ेगा तो हर एक परेशानी, हर एक विपत्ति, हर एक दुख हमारे जीवन से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जरूरत है तो उस पर हमें डिपेंड होने की, उस पर भरोसा रखने की कि चाहे हम जंगल में हो, चाहे हमारे सामने लाल समुद्र हो, चाहे हमारे पीछे मिस्र की सेना हो, तो भी हम दृढ़ खड़े रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि यहोवा मेरे संग संग चलता है। सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग चलता है। जिससे बड़ा कुछ भी नहीं है, जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम सबसे ऊंचा है। क्या कोई दुख परमेश्वर से बड़ा है? क्या कोई बीमारी परमेश्वर से बड़ी है? क्या कोई परेशानी, क्या कोई संकट? नहीं। क्या शैतान? नहीं। कोई भी उससे बड़ा नहीं है जिस पर हम विश्वास करते हैं। और यदि हमारा विश्वास उस पर है जिसने, जो सबसे बड़ा है, तो वो स्वयं हमारे लिए हमारी हर एक परिस्थिति से, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक संकट से वो क्या कर सकता है, लड़ सकता है, हमें वहां से बाहर निकाल सकता है। जरूरत है तो हमें केवल उस पर विश्वास करने की। यदि आज आप प्रभु को अपना उद्धार करता, यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करें, तो प्रभु कहते हैं कि वो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहेंगे, वो जीवन देते हैं और बहुतायत का जीवन देते हैं। तब परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, तब चाहे आपके पीछे मिस्र की सेना हो या आपके आगे लाल समुद्र हो, चाहे आप जंगल में हो, चाहे आप परेशानियों में हो, चाहे आप दुखों में हो, चाहे आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, तब भी परमेश्वर आपको वहां से बाहर निकाल सकता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाए, अपना जीवन प्रभु को दे, वो आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, विशेष करके प्रभु तेरे इस वचन के लिए, जो वचन कहता है कि मैं स्वयं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। प्रभु हमें वो हृदय दे प्रभु कि हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक संकट, हर एक क्लेश के समय प्रभु हम चुप रह सके और तुझ पर भरोसा रख सके। मेरे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हर एक संकट से तू हमें निकालता है प्रभु, हर एक दुख से, हर एक संकट से प्रभु, विपत्ति से प्रभु तू हमारे लिए लड़ता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने इसराइलियों के लिए प्रभु लाल समुद्र में प्रभु तूने उनके लिए मार्ग बनाया था प्रभु, जो अपनी प्रार्थनाओं को तुझ पर रख रहे हैं प्रभु, जो अब जो तुझसे मांग रहे हैं प्रभु, आप उनके लिए वही मार्ग बनाए मेरे प्रभु, जैसे आपने इसराइलियों के लिए बनाए प्रभु, जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, जो तुझ पर डिपेंड हैं प्रभु, उनके लिए आप मार्ग बनाए प्रभु। जो पिता परेशान है प्रभु, जो पिता परमेश्वर संकट में है, विपत्ति में है प्रभु,
उनके लिए आज आप मार्ग बनाए प्रभु जी। हम सबको प्रभु तेरे हाथों में देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वही मार्ग हमारे लिए तैयार कर दिया है प्रभु, आपने बना दिया है प्रभु। हर एक संकट से, हर एक दुख मुसीबत परेशानी से आपने हमें छुटकारा दे दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं प्रभु। आप हम पर प्रभुता करें प्रभु जी और हमें चलाएं प्रभु जैसी आपकी इच्छा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।